जय हिंद दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल GDS इन्फो में। GDS और डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट का पल पल का अपडेट पाने के लिए आपको सब्सक्राइब करना ही होगा GDS इन्फो को। तो जो वादा किया है उसको निभाना पड़ेगा, इसीलिए हमने आ गया है प्रे स्लिप लेके मार्च मंथ के। पहले हमने सोचा कि क्या इस मंथ का पे स्लिप हम दें या फिर ना दें, क्योंकि हर मंथ का तो हम देते ही है, लेकिन इस मंथ थोड़ा सा अलग है क्योंकि 34% DA के बाद 34% DA ये अनाउंस तो हो चुका है लेकिन अभी तक किसी को मिला नहीं है। लगभग सिर्फ हमने एक पोल क्रिएट किया था अपने जो चैनल है उस पर, तो शायद 2-3-4 लोगों ने इस पर वोट दिया है और जिसमें से 88% को ही अभी तक DA नहीं मिला। तो इसीलिए सोचे कि ठीक है, DA अगर उन लोगों को भी नहीं मिला, हमको भी नहीं मिला, तो क्या है अपडेट कर ही देते हैं कि कितना जो है इस बार सैलरी मिला है सभी को। ठीक है, थोड़ा सा लेट के लिए माफ़ी चाहता हूँ। तो देख सकते हैं आप TRC है, इसका थोड़ा हाई है इसलिए सैलरी थोड़ा सा हाइक पे रहेगा, इसको आप थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिएगा अपने हिसाब से। तो यहाँ पे जो है 10,300 बेसिक है, DRNS अलाउंस इस पर मिला है 3,193 रुपये, स्टेशनरी चार्जेस 25 रुपीज़, तो टोटल हुआ 13,518। इसमें से डिडक्शन हुआ है, तो डिडक्शन अप्रैल महीने में एक डिडक्शन होता है जो कि काम का डिडक्शन है। तो यहाँ पे EDGIS2 के लिए 50 रुपीज़ डिडक्शन हुआ है और CWF GDS के लिए 240 डिडक्शन हुआ है। यहाँ पे ही ट्रिक है कि ये 240 रुपये किस लिए डिडक्ट हुआ है। तो ये CWF GDS जो है ये GDS का साइकिल वेलफेयर फंड है। तो अगर आप नहीं पता ये क्या है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहाँ पे जाके टोटल देख लीजिए GDS का साइकिल वेलफेयर फंड क्या है और इसके लिए कितना डिडक्ट होता है, क्या सब्सक्रिप्शन मिलता है। तो ये एक डाक सेवक का सैलरी है 13,098 रुपये जो कि उनको मिला है अपने मार्च मंथ में। ठीक है, मार्च मंथ के एंड में। ठीक है दोस्तों, वीडियो इतना ही था, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा GDS इन्फो को। नेक्स्ट अपडेट लेके जल्द से जल्द आएंगे आप।